फिर मैं क्या पूछते, कबूल है या नहीं? सारा खेल ही एक दूसरे को कबूल कर लेने में है। अगर दोनों को कबूल हो तो भेष गुनाकार। बट व्हाट अबाउट फिजिकल इंटरमेसी? जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है? इंडिया लेके काम ये मशीनरीज आइसोलेटेड है, लेकिन हमारी बैड लक है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइलेंस इज टू बिग सर। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट पेस्ड इन द असेंबली इन जून 2012 ऑन एवरेज ऑफ 2800 to 3200 कन्वर्जन्स आर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सौम्या चौधरी और आप सबका मेरे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक मूवी देखने जा रहे हैं और वो मूवी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए। आई होप कि अब तक बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा कि हम कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। सो यस, इट्स द केरला स्टोरी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूवी है हर किसी के लिए, सबको ज़रूर देखनी चाहिए। एंड इट इज़ अ रियल इंसिडेंट बेस्ड स्टोरी। इट इज़ एवरीथिंग ट्रूथ अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग इन केरला। और हम सबको ये देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली टू द यूथ, जो लोग इस चीज़ में भरोसा करते हैं दैट एवरीवन इज़ इक्वल एंड इक्वालिटी मैटर्स, ब्रदरहुड, ऑल दीज थिंग्स आर राइट। बट यार, ट्रूथ को जानो, और ट्रूथ को जानने के लिए आपको खुद को अवेयर रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, अ मस्ट वॉच। और हम लोग भी आज देखने जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके क्लिप्स को डालने की, ताकि आप सब भी देख सकें कि क्या है। ट्रेलर भी काफ़ी लोगों ने देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी ज़रूर जाके देखें। और हम लोग भी जा रहे हैं, तो चलिए हम मारकर एक स्लेव बनाने का है, एक रोबोटिक स्लेव फातिमा। एंड सी सर, दे आर सक्सेसफुल आल्सो बिकॉज़ आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। टेल मी, व्हेन एग्जैक्टली यू जॉइन आईएसआईएस? आईएसआईएस कब जॉइन सर? हर मिशन के पीछे एक मोटिव होता है। एक सीधी सादी नर्सिंग स्टूडेंट को कैसे सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं ये जानना जरूरी है। ये बातें पता नहीं कोई क्यों नहीं सुनना चाहता, कोई कुछ क्यों नहीं करता। आई डोंट नो, थैंक्स, मैं नहीं लगाती। क्यों? बिना मेकअप के मैं हिजाब में ज्यादा अच्छी लगती। आई लव नेचुरल ब्यूटी। वैसे भी नो मेकअप लुक इज ट्रेंडिंग ऑन MBBS फाइनल ईयर एंड दिस इज अब्दुल। ही इज
well known renowned businessman of Kasaragod. Hey, come on Ramesh, overacting da. I hope you guys are comfortable. Sorry for the inconvenience, car mein itna hi space tha. We're all comfortable. Yeah, okay, but please pray for me so that one day I become a big man, I buy a helicopter. Then I'll take all kisi acche college mein. We thank them. And we Allah ko. तुम लोग प्रे नहीं करता खाने से पहले? मैं नहीं करता, मगर हाँ मेरे अच्छन ने मुझे एक बार बोला था कि हमें गॉड ऑफ फूड और फार्मर्स को डेफिनेटली थैंक यू बोलना चाहिए. मेरी अम्मा और अम्मा संस्कृत में कुछ श्लोकम बोलते हैं, आई डोंट नो इट स्पेसिफिकली, आई जस्ट सी यम्मी फूड एंड देन आई ईट इट. ईटिंग विदाउट प्रेयर इज अ सिन. मैं एक बात पूछूं? बोल रही थी ईटिंग विदाउट प्रेयर इज अ सिन. व्हाई? क्या प्रे कर रही थी तुम? आई वाज थैंकिंग अल्लाह. मैं बोल रही थी ओ अल्लाह थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये खाना देकर जिंदा रखा. आपकी अजमत बहुत बड़ी है और ये जो खाना हम खाते हैं ना वो अल्लाह और उनके पैगंबर का रहम है हमारे ऊपर. तो अगर हम अल्लाह को थैंक्स नहीं बोलते तो उनका गुस्सा हमें हेल फायर तक ले जाता है. हेल फायर क्या? तो इस जिंदगी में हम जो भी गलत काम करते उसके लिए हमें मरने के बाद पनिश किया जाता है और जो भी अच्छे काम हम करते हैं उसके लिए हमें जन्नत मिलता है, ऐसे रिवॉर्ड. मरने के बाहर के बारे में बोल रही थी ना, व्हाट इज हेल फायर? आई डोंट नो. मैं बता रहा था हदीस में मालिक ने कहा है कि जहन्नुम का आग दुनिया का आग से 70 टाइम ज़्यादा गर्मी पैदा करता है. क्यों? और दोज़ख में एक अंधेरा कुआं है जहाँ सारे सिनर्स को लोहे की जंजीरों से बांध कर उल्टा जला दिया जाता है. तो जो अल्लाह में बिलीव करता है उन्हें जन्नत मिलता है और जो इस्लाम में बिलीव नहीं करता है उन लोगों को दोज़ख की आग में जला दिया जाता है. बट एक मिनट, वैसे भी हम हिंदू है तो हम दोज़ख की आग में क्यों जाएगा? That's what, no. तुम्हारा अल्लाह हिंदुओं को पनिश क्यों करेगा? इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चला, ओनली अल्लाह. सजा फैसला नहीं, सजा एक सबक है. सबक कि दोबारा कोई कानून ना तोड़ सके और जो इस रास्ते से भटक गया वो रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी है. सबक शरीयत रसूल का बताया हुआ रास्ता है और इस रास्ते से भटकना अल्लाह रसूल के शान के खिलाफ है. नारा तकबीर अल्लाह. एंड क्यों कट गया? क्योंकि उसने लिपस्टिक लगाई थी. सिर्फ लिपस्टिक पहनने के लिए हाथ काटा? एंड देवा में ये भगवान. There is no भगवान, there is only अल्लाह. और शरिया में ये हराम है. ये वीडियो देखिए. ये दवा जिसे हमारी भाषा के अंदर केमिकल कॉरेज कहा जाता है, फार्मा की भाषा के अंदर कैप्टेगॉन और एम्फेटामीन कहा जाता है, जो आपके जिहाद के जज्बे को कभी मरने नहीं देगी, आपको आपके मकसद से कभी भटकने नहीं देगी. और मैदान जंग में ये दवा लंबे समय तक आपको भूखा प्यासा और नींद की शिद्दत से दूर रखेगी. ये आपके बुद्ध इंसान को मार के जो आपके अंदर है एक मुजाहिदीन को पैदा करेगी जो कल तमाम इस्लाम की स्टेट्स के परचम को बुलंद करने वाला है, अपने गुनाहों की माफी मांग के जन्नत पाने वाला है और इन काफिरों के मुंह से अल्लाह अकबर निकलवाने वाला है. नारा तकबीर. ने करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, जिस्मानी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो. सारी लड़कियां था मार्केट में, खाली तुम तीनों थी जिन्होंने हिजाब नहीं पहना था. राइट? अच्छा, हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज़ अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस.
I'm sorry, but he's not like your gods. Are you trying to say only Allah protects? Other gods don't protect. Exactly. Because तुम लोग का गॉड इतना हेल्पलेस है, खुद ही दूसरों से मदद मांगता रहता है. Even your Jesus, Nima. It's not the time. See, I understand what you are going through. पर तुम एक बार सोचो, कोई गॉड का बेटा, गॉड का बेटा सूली पर लटकाया जा रहा है जिंदा, और गॉड आकर अपने बेटे को नहीं बचा पा रहा, वो तुम लोग को कैसे बचाएगा? Enough. क्या पूछते, कबूल है या नहीं? सारा खेल ही एक दूसरे को कबूल कर लेने में है. अगर दोनों को कबूल हो तो इस गुनाकार है. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? बाकाल है वो, बाकाल! सबको पता है कि कैसे उनकी वाइफ को रावण लेके चला गया था. तो अब तुम मुझे बताओ, वो गॉड है तो वो अपनी वाइफ को अकेला बचा के नहीं ला सकता? अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे वानर सेना की हेल्प लग रही, और उस वानरों को भी तुम पूछते हैं? I'm sorry. तुम्हारे एक भगवान तो हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते थे. ऐसा कैसा कैरेक्टर है गॉड का जिसको हर लड़की से प्यार हो जाता है, और वो खुद डर के अपना मेरा पेरेंट्स है. वो अल्लाह को नहीं मानता. जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है. मैं नहीं जाऊंगी. तब तुम अपनी पास्ट लाइफ में नहीं जाओगी, अपनी पुरानी यादों को कैसे मिटाओगी? और ऐसे तो तुम अनीशा बनने के बाद भी गीतांजलि को कभी नहीं बुला पाओगी. देखो, तुम्हारा फादर एक काफिर है, और काफिर होने का गुनाह तब तक माफ नहीं होता जब तक तुम उन पे थूकती नहीं हो या फिर उन पे पत्थर नहीं मारती. और जो दौलत वो तुम्हें दे रहे हैं उस पे तुम्हारा हक बनता है. काफिर से मिली हुई दौलत कभी भी हराम नहीं होती. समझ गए ना? इट्स योर्स. ऐसा सीख है. अब मुझे ये सब मिले हुए. रमीश कहीं नहीं गया, यहीं पर है, दूसरी लड़की के साथ धंधा चल रहा है उसका. ये तुमने कहा था ना मुझे से मिलने के लिए. उसने मेरी क्लास में ड्रग्स मिला दिया. मेरी बेहोशी की हालत में मेरा रेप करता था. मेरे काम में ये मशीनरीज आइसोलेटेड है, लेकिन हमारी बैड लक है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइलेंस इज टू बिग सर. हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा. ये लोग हमें जान से नहीं मरते, बस आत्मा को रोज मरते. हम इनके गुलाम इसलिए मुफ्त में नोचते हैं. यहाँ जिनके मरद जंग में मर जाते हैं उनको या तो इनका टैक्स स्लेव बनना पड़ता है, या बदन पर बम बांध के अल्लाह अकबर बोल के काफिरों पर कूद जाना पड़ता है. इससे अलावा औरत के पास यहाँ और कोई तीसरी चॉइस नहीं है.